Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Our today's topic is aggregate function. Learning outcome. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is aggregate function. It include average function, count function, mean function, max function and sum function. After watching this video, following POs are mapped: PO1, 2, 3, 4, PO8, PO9 and PO10. What is aggregate function? SQL aggregation function is used to perform calculation on multiple row of a single column of a table. It return a single value. Aggregate function क्या होता है? कि जब कभी कोई function multiple values, multiple rows की value को ऑपरेट करता है और आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उस केस में उसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। यानी हमारा एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, मल्टीपल रोज के ऊपर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बराबर है, और वो करने के बाद यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और वो करने के बाद एक सिंगल वैल्यू वहां से हमें रिटर्न करेगा। ऐसा जो फंक्शन करेगा उसे हम कहेंगे एग्रीगेट फंक्शन। इट इज ऑल्सो यूज टू समराइजेशन ऑफ डेटा, ये डेटा समराइजेशन के लिए भी यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, कौन से एग्रीगेट फंक्शन हमें पढ़ना है? सबसे पहले एवरेज पढ़ना है, उसके बाद काउंट, काउंट स्टार, मीन, मैक्स एंड सम, ये एग्रीगेट फंक्शन हमें ये यूनिट में पढ़ना है। एग्रीगेट फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट मास्टर टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन हम जब अप्लाई करेंगे तो उसको समझने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत रहेगी। उस टेबल को, जो टेबल हम यूज करने वाले हैं, जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे केयरफुल इस टेबल को देख लीजिए। यहाँ पे एक हमने प्रोडक्ट मास्टर करके टेबल कंसीडर किया है, उसमें प्रोडक्ट पहला कॉलम है, कंपनी दूसरा कॉलम, क्यूटी क्वांटिटी है, यहाँ पे रेट है उसका और कॉस्ट है। अब इस कॉलम, इस टेबल के ऊपर हम हमारे जो भी एग्रीगेट फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट जो है, उसके आउटपुट जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ये पढ़ेंगे हम। तो एवरेज फंक्शन क्या होता है? द एवरेज फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमरिक टाइप। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल नॉन न्यूमरिक वैल्यू। यानी एवरेज फंक्शन क्या करता है कि जो भी हम कॉलम के ऊपर एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं उस कॉलम की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या है, एवीजी ब्रैकेट और एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्ट एवीजी कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। अब प्रोडक्ट मास्टर के कॉस्ट के ऊपर हमने एवरेज फंक्शन अप्लाई किया, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट मास्टर का टेबल है और यहाँ पे कॉस्ट का ये जो कॉलम है इसके ऊपर हमने एवरेज अप्लाई किया है एग्रीगेट फंक्शन। अब क्या होगा इसके, इससे ये जो वैल्यूज है 20 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 50 इसका सम होके इसका एवरेज कैलकुलेट होगा और जो एवरेज वैल्यू है वो आउटपुट में हमें दिखेंगे। तो इसका एवरेज आता है 51.25। यानी किसी भी कॉलम के न्यूमरिक वैल्यू का एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एवरेज फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन अ डेटाबेस टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप। ये न्यूमरिक में भी काम करता है और नॉन न्यूमरिक में भी काम करता है। और ये करता क्या है, हमारे टेबल में जितने भी रोज होंगे उसको काउंट करने का काम करता है, बराबर है। काउंट फंक्शन यूज द काउंट स्टार दैट रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल द रो इन अ स्पेसिफिक टेबल। अगर हम काउंट स्टार यूज करते हैं तो जितने भी टेबल में रो है वो टेबल के रो हमें, कितने रो है वो हमें इससे पता चलता है काउंट स्टार से। काउंट स्टार कंसिडर डुप्लीकेट एंड नल। अब काउंट स्टार जब हम अप्लाई करेंगे जो डुप्लीकेट भी रहेगा तो उसको भी और नल रहेगा उसको भी वो काउंट करेगा, मगर सिर्फ काउंट जो यूज करते हैं उसमें जो नॉन नल वैल्यू है उसी को वो रिटर्न करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसका सिंटेक्स है, हमें लिखना है सिलेक्ट उसके बाद काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उस टेबल का हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। एग्जाम्पल सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। अभी सेम हमने प्रोडक्ट मास्टर के ऊपर, हम प्रोडक्ट मास्टर टेबल देखते हैं अभी, ये प्रोडक्ट मास्टर के ऊपर हमने काउंट स्टार अप्लाई किया है। तो इसमें रो कितने दिख रहे हैं आपको, टोटल रो है यहाँ पे चार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलता है फोर क्योंकि चार रो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर क्लॉज अप्लाई करके, सिलेक्ट काउंट स्टार
फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी रेट की वैल्यू 20 से बड़ी है, वही रो को मुझे रिटर्न करना है, वही रो को मुझे काउंट करना है। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होती है हम ये टेबल में देखते हैं। रेट की वैल्यू 20 से कहाँ का बड़ी है, सेकंड कॉलम सेकंड रो में बड़ी है और थर्ड रो में बड़ी है। यहाँ पे 10 है यानी 20 से छोटा है, और पहले इसमें भी 10 है तो 20 से छोटा है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में हमें 2 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या दिया है, आउटपुट में मिला यहाँ पे 2। यानी सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर की अप्लाई किया है हमने काउंट स्टार, मगर कंडीशन क्या लगाई है, वेयर रेट रेट का जो कॉलम है उसमें जिसकी वैल्यू 20 से बड़ी है उसी को मैं काउंट करूंगा, तो उसकी वैल्यू आती है 2। नेक्स्ट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टन कॉलम, यानी किसी भी कॉलम की मिनिमम वैल्यू अगर पता करना है तो मीन फंक्शन हम यूज करते हैं। दिस फंक्शन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉलम, सबसे छोटी वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम की हमें मीन फंक्शन से पता चलती है। ठीक है, सिंटेक्स मीन, अब एग्जांपल में देखते हैं। सिलेक्ट मीन ब्रैकेट में जिस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखा है, फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, फिर से हमने प्रोडक्ट मास्टर के ऊपर अप्लाई किया है और रेट के ऊपर अप्लाई किया, तो हम देखते हैं अभी रेट में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए रेट में 10 ये सबसे मिनिमम वैल्यू दिख रही है, तो हमें आउटपुट में मिलता है 10 क्योंकि हमने मिनिमम अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आउटपुट अगर देखेंगे तो आउटपुट में भी हमें यहाँ पे 10 मिला, यानी रेट फंक्शन ने जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमम वैल्यू को मीन फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि है 10। नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन, द मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टन कॉलम, यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे मैक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दिस फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑल सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉलम, सबसे बड़ी वैल्यू जिस जो कॉलम में होती है उसको ये फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जाम्पल सिलेक्ट मैक्स रेट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। अभी रेट में आपने देखा है कि सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 30, तो यहाँ पे आउटपुट में उसने क्या किया, 30 को रिटर्न किया। इस तरीके से मैक्स फंक्शन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम, इट वर्क ऑन द न्यूमेरिक फील्ड ओनली। सम फंक्शन क्या करता है, जिस कॉलम के ऊपर हमने सम फंक्शन अप्लाई किया उसकी सम वैल्यू यानी उसकी एडिशन करके उसकी सम जो होती है वो रिटर्न करता है, और ये सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड के ऊपर ही काम करता है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, सिलेक्ट सम कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। अब प्रोडक्ट मास्टर के कॉस्ट के कॉलम के ऊपर हमने अप्लाई किया, अगर कॉस्ट में जो वैल्यू दी है उसकी अगर हम सम करेंगे तो वो आती है 205, तो वैसे ही उसने आउटपुट दिया है। यहाँ पे जो भी कॉस्ट वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी सम की है सम फंक्शन ने, और आउटपुट में उसका सम करके हमने दिया है, उसकी सम होती है 205। तो इस तरीके से सम फंक्शन काम करता है। तो समरी ऑफ लर्निंग, इस यूनिट में हमने एवरेज एग्रीगेट फंक्शन में एवरेज फंक्शन पढ़ा, काउंट फंक्शन पढ़ा, मीन फंक्शन पढ़ा, मैक्स फंक्शन पढ़ा और सम फंक्शन पढ़ा। अब एवरेज एवरेज कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है ये चीज, हमने यहाँ पे हमें समझ में आई काउंट है नहीं, नंबर ऑफ रोज को हमें काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन काम में आता है। मिनिमम फंक्शन किसी भी कॉलम की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। मैक्स फंक्शन किसी भी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या रिट्राई करने के लिए काम में आता है, और सम फंक्शन किसी भी कॉलम का की न्यूमेरिक वैल्यू की सम करने के लिए काम में आती है। बराबर है, और ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे ये पीओस हमारे मैप हो रहे हैं। PO1 बेसिक नॉलेज मैप हो रहा है हमारा, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज मैप हो रहा है, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3 मैप हो रहा है हमारा, इंजीनियरिंग टूल्स SQL जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क हो रहा है हमारा, PO9 कम्युनिकेशन बढ़ रहा है हमारा इसके माध्यम से, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा हमें ये कंसेप्ट हमारे सामने भी हमारे काम में आने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।